छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों का सम्मान के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को करेंगे दाऊ वासुदेव चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण, जिसे लेकर दुर्ग महापौर व पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के राजनीति के आधार स्तंभ दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गुरुवार को दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर होने जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चंद्राकर, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव संदीप वोरा, कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा, एमआईसी प्रभारी संजय कोहले, भोला महोबिया, अल्ताफ अहमद, अनीस रजा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्थल पर पहुँच चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। गौरतलब है कि हरियाली के अवसर पर किसानों को समर्पित किसान व सहकारिता के जनक माटी पुत्र वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा स्थापना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों का सम्मान करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाली के अवसर पर परंपरागत कृषि औजार हल गैती फावड़ा की पूजा कर हरियाली का संदेश देंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारे पूजनीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कल हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उन्हें अपना सहमति दिया है। नगर पालिक निगम दुर्ग और पीडब्ल्यूडी के सौजन्य से ये मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत ये प्रतिमा स्थापना की नाम किया जा रहा है, जोरों से तैयारी चल रही है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अविभाजित मध्य प्रदेश एक ऐसे जन नेता रहे हैं दाऊ जी, जो हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और उनमें जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ियों के प्रति उनमें अगाध प्रेम था, वो एक सर्वमान्य नेता रहे हैं। हमारे दुर्ग जिला के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुत सारे लोगों ने आज राजनीति में अपना स्थान बनाया है। और एक वो गुरु थे, माने एक पाठशाला थे और उनके पाठशाला से बहुत सारी शिष्य शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं और राजनीति में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे दाऊ जी की प्रतिमा का अनावरण कल होने जा रहा है और उसमें हम सब कांग्रेसजन लगे हुए हैं और भव्य रूप से उनके प्रतिमा का अनावरण किया जाए। अभी तो ये जो वासुदेव चंद्राकर जी का जो मूर्ति की स्थापना हो रहा है, ये मालवीय नगर चौक में हो रहा है। और ये प्रतिमा की स्थापना अलग चीज है और जो चौक है उसकी प्रक्रिया अलग होती है, चौक का नामकरण की प्रक्रिया अलग होती है, तो ऐसी अभी कोई बात नहीं है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का पारंपरिक और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन प्रदेश सरकार की तरफ से काफी बड़े फैसले आने की संभावना जताई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।